ऐसे ही हिंदी शुरू की है हिंदी हिंदी भी, हिंदी भी और अब स... <laughs> नहीं हिंदी भी और <laughs> मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड था, था आपको मिलने के लिए क्योंकि मूवीज़ में देखा था एंड फर्स्ट टाइम मैं आपको मिल रहा हूँ मतलब मैं yes. पहले एंकर नहीं था जब मैं प्रोड्यूसर था मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ मिल चुका हूँ बट आपको मैं फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रहा हूँ एंड yes. बात कर रहा हूँ सो so मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज एंड कैसे हो आप मैं ठीक हूँ और मेरे लिए भी बड़ा दिन है आज का इसलिए ऑलवेज़ आई हैव सीन पीपल गिविंग इंटरव्यूज फॉर रेडियो मिर्ची एंड ऑलवेज आई वाज थिंकिंग मैं कब मेकअप मैं कब जाओगे एंड आज वो आपने मुझे मौका दिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मैम कैसे हो कैसी है लाइफ ब्यूटिफुल विद गॉड्स ग्रेस गोइंग गुड सबसे पहले ना, मैं पर्सनली मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ okay. और तब से जब मेरी आई थिंक पहली फिल्म कहाना पे आ रही थी जो मुझे मोमडेड लेके गए थे तो मुझे आज आपसे क्योंकि आप नाइन्टीज आप <laughs> आपने पूरा दौर देख लिया <laughs> तो मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है आज ठीक है बहुत कुछ जानना <laughs> है अभी भी जब हम लोग भी बात कर रहे दोस्त तो ऐसे बोलो नाइन्टीज में ये था नाइन्टीज में वो था अभी भी नाइन्टीज की बातें होती है तो आपके हिसाब से नाइन्टीज नाइन्टीज क्यों था नाइन्टीज़ नाइन्टीज़ इसी था बिकॉज बहुत मेहनत करते थे हम लोग और शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं था प्लस एवरी थिंग वॉज स्पॉन्टेनियस नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस पूरा दिल से हम लोग सोल डाल के करते थे एंड एज एन आर्टिस्ट मैं बोल रही हूँ ये uh, अगर मेकअप ओके वेरी फ्यू ऑफ देम यूज टू डू दिया ओन मेकअप करते थे लाइक मेकअप कॉस्ट्यूम्स वी यूज़ टू डू आर सेल्स वी नव यूज़ टू हैव स्टाइलिस्ट नहीं है डिज़ाइनर uh, नहीं था कैरेक्टर हम लोग को डायरेक्टर और राइटर बताते थे और हम लोग खुद uh, कहानी सुन के फिर ड्रेसमैन uh, दादा होते थे थे दे यूज़ टू कम होम लॉट्स लेके आके कैरेक्टर हिसाब से साड़ी चुड़ीदार पैंट hmm. शर्ट्स जो भी है hmm. लेके आते थे फिर हम लोग सेलेक्ट करते थे फिर डायरेक्टर बताते थे ओके चार साड़ीज चाहिए उसमें से दो डल सीन्स है सो डल hmm. कलर ले लीजिए सो वी यूज टू डिजाइन आर ओन कॉस्ट्यूम्स ओन फुल मूवीज का वो ये एक प्लेजर होते थे प्लस फाइट सीक्वेंस और डांस एवरीथिंग यूज टू बी ऑन स्पॉट प्रैक्टिस करके एक एक महीना पंद्रह दिन नहीं तो दो दो महीना प्रैक्टिस करके नहीं हाँ एक्सट्रीमली दे समथिंग लाइक मैंने एक तमिल मूवी किया था उसमें मैं कुम्बू फाइट किया था विद द स्टिक But that I took training. That mm. I took training for 10 days, that's all. Because that is totally new for me. Mm. So, we to but if not, everything is on spot for us. So, that is the speciality of 90s. And uh, other thing is, I can tell about uh, the music, mm. the lyrics. Because words अभी भी याद है याद सब है। लोग के लिए नॉट हैप्पी ऑफ द नाइनटीज सॉन्ग सेज मॉम ऐसा ड्रेसिंग तो, गाना हो लिरिक्स हो तो, हम लोग बहुत मिस करते हैं आजकल सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द नाइन्टीज बट आपके हिसाब से क्यों है बिकॉज टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि मतलब क्या रीजन गया आपके हिसाब से मतलब ये चीजें अभी नहीं होती मैनी थिंग्स टेक्नोलॉजी है सोशल मीडिया है बहुत कुछ आ गया एवरीबडी वॉन्ट्स शॉर्टकट एंड फास्ट रिजल्ट सो आई थिंक दैट इज द रीजन बहुत मतलब उस टाइम में नाइन्टीज हो एटीज हो दे यूज टू बी पीरियड ऑफ फोर फाइव हिरोइंस इंट्रोड्यूस हुआ फिर hmm. वो लोग चलते थे एक दस साल पंद्रह साल बीस साल वही लोग मतलब इफ़ यू सी श्रीदेवी जी और जयप्रदा जी और हेमा जी और दॉज अ पीरियड लाइक बट अभी हर हफ्ते में चेंज होता है न्यू कमर्स आर कमिंग सो एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट इंस्टेंट इट इज़ लाइक इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट सॉली एवरीथिंग इज़ फास्ट लाइक इफ़ यू से लाइक 90s एंड जमीन आसमान का फर्क है यस। वो एज एन ऑडियंस हमें भी दिखता है और एक yeah. चीज जो आपने बोला ना कि आई फील स्टारडम पहले क्योंकि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया आ गया है आई फील उसकी वजह से भी ना फेम का ड्यूरेशन कम हो चुका है अभी बहुत बहुत एवरीथिंग इज आउट ओवर पब्लिक बिकॉज अभी भी अगर आप देखेंगे तो अमिताभ जी का घर से इसीलिए लोग बाहर है क्योंकि उनका एक्टिव इतना नहीं है सोशल है एक दो आए ट्विटर किया इतना ओपन नहीं है उनका बट इफ यू सी अदर्स देर इज़ टोटली एवरी डे यू गो फॉर कॉफी यू गो एनीथिंग यू जस्ट गो फॉर सेल ऑल्सो देर इज अ आउटसाइड ओवर द दैप्स आर देर ऑलवेज सो ये जो डिफरेंस है सो so, बहुत फर्क है 90s में और अभी में सो नाउ आई फील देर इज नो नीड ऑफ जर्नलिज्म सोशल मीडिया इज बिकम लाइक अर्नलिज्म सो इट इज बिकम फॉर द आर्टिस्ट एवरीथिंग इज आउट ओवर सो यस बट आपको क्या चीज़ें अभी पसंद है अभी के दौर की और क्या नहीं पसंद है बी ऑनेस्ट हाँ टू मच ऑफ एक्सपोज एक्सपोज इज नॉट दट revealing i'm not talking about that too much of uh, out over there in the public uh, there hmm. are certain things there is always a boundary boundary hey subchiscale but vo boundary kahito ham logo. ओपन मतलब ज़्यादा इतना खुला दे दिया पब्लिक को टू गेट इन टू द आर्टिस्ट एंड दे स्टार्टेड देक्टेटिंग नहीं ऐसा दिख रहा है वैसा नहीं दिखना चाहिए वैसा होना चाहिए इट इज़ ऑलवेज देर इज़ सम स्पेशलिटी हम लोग आर्टिस्ट इसीलिए बना देर इज सम चाम देर इज़ सम स्पार्क इन ईच इंडिविजुअल पर्सन दैट इज़ वाई अगर आज शाहरुख जी बन सकते तो शाहरुख हैज़ बिकम शाहरुख एनी बडी एन एवरी बडी कैन नॉट बिकम शाहरुख अमित जी अभी तक मतलब सो मैनीय दैट इज द रीजन इज बिकम अमिताभ जी सो नाउ इट इज बिकम एवरी मतलब गली गली में uh, कु, सब कुछ शुरू हो गया सर so, हम लोग डिस्कस भी करते हैं बहुत बार कि शाहरुख सर अक्षय सर सलमान सर आमिर सर अभी मैं सोच रहा हूँ इनके बात की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं बट जो स्टारडम है आपको भी ये लगता है मतलब अभी क्या मतलब यस ऑफ कोर्स है इट्स नॉट दैट आई एम नॉट टेलिंग आर्टिस्ट नहीं है है ब्यूटीफुल लाइक विकी इज देयर आयुष्मान इज देयर रणबीर रणवीर सिंह बट कहीं तो वो जो हम लोग बोल सकते हैं धर्मेंद्र जी राजेश खन्ना उनके बाद ऑफ कोर्स अमिताभ जी उनके बाद खान्स हैव कम देन अक्षय वाज देयर बट Like that जो charge और in, जो industry को rule kar rahe, कर रहे वैसा है. कोई नहीं है। हर हफ्ते somebody is taking a movie hit हुआ, हाँ, अभी एक हफ्ता नहीं तो दो हफ्ते के लिए ये he's become a star। Then again after two weeks and three weeks some some other movies become hit, then he's become a star। yeah. It's become like that in instant stars है। uh, te, uh, For a period uh, I can tell, It's become like that। मतलब attention yeah. success है, but उसका duration भी, भी ज़्यादा नहीं है, वो नहीं change नहीं होगा। नहीं, आई थिंक वी शुड चेंज दैट दैट्स व्हाट इन माय मतलब मेरा भी वही है क्योंकि बट बट आपको क्या लगता है फ्यूचर अभी सिनेमा का क्या है इन जनरल आपके हिसाब से मतलब लोग से फिल्में देखने जाएंगे उतना बात करेंगे चेंज होगा या ब्लॉकबस्टर जैसे आते रहेंगे आपको क्या लगता है चेंज हो जाएगा चेंज हो जाएगा दिस इज अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज़ एवरीबॉडी इज ऑलरेडी फेड अप ऑफ टू मच ऑफ एक्सपोजर एंड एवरीथिंग सो ये चेंज हो क्या इट्स ऑलवेज अ साइकिल साइकिल हैज टू कंप्लीट सो वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में गए थे इवन वेस्टर्न, वेस्टर्न नाउ नाउ टेकन ओवर इंडियन काइंड ऑफ़ कल्चर। सो वी आर और हम की बात करे थे मुझे वापस से पर्सनली लगता है कि आजकल जो स्टार्स है टैलेंटेड है बहुत ज्यादा टैलेंटेड yes, है सब में टैलेंट है बट आई फील वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि स्टार्टम है जा रहा है आ रहा है कम आ रहा है बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं अभी एक्चुअली उनका खुद में इतना इनसेरिटी है क्योंकि एज मैंने जो बोला हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है अगर पिक्चर हिट होगा नहीं होगा अगर हम लोग है कि नहीं है सो द पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट एंड लिमिटेड हो गया सो दैट इज़ द रीज़न दैट इनसेरिटी एंड हाँ, वजह से बट जैसे अभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग अभी इजी हो चुका है ठीक है आई फील बट नाइन्टीज में नेटवर्किंग कैसे होता था, था? मतलब पार्टीज होते थे या मतलब ऑडिशन तो मुझे पता है बट कैसे होता था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं media, नहीं, नहीं थे? था थे ओनली लुक टेस्ट जो कैरेक्टर फिक्स होने के बाद हाँ कैरेक्टर में कब वो भी अगर आर्टिस्ट के पास है एक्सक्लूसिव कुछ कैरेक्टर है तो लुक टेस्ट होते तो वो hmm. भी नहीं होते थे बिकॉज द एवरी बडी डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर एवरी बडी वो श्योर दैट होम दे वॉन्ट टू टेक किसको लेना है कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते सेकेंड चांस मिलते थे दूसरा आर्टिस्ट के पास अगर फर्स्ट आर्टिस्ट जब रिजेक्ट कर दिया अभी मेरे पास एक स्टोरी आया hmm. है मुझे स्टोरी अच्छा नहीं लगा दैट इज़ वन रीज़न आई वुड हैव रिजेक्टेड और द सेकेंड रीजन इफ़ मैरा माई आई डोंट हैव डेट्स दैट्स ऑल दे यूज टू थिंक या ओके यू दिस कैरेक्टर वी वुड लाइक टू गो फॉर शांतिप्रिया और एक्सवाइजेड और एक्सवाइजेड दे वर्ज सो कॉन्फिडेंट दे नेवर यूज टू टेक ऑडिशंस दे वॉज नेवर एनी के मतलब हाँ पच्चीस तीस पच्चीस लोग को ऑडिशंस ले लिया फिर उनमें शॉर्टलिस्ट करके दस लोग का जो आजकल चल रहे शॉर्ट लिस्ट में से ही फिर पांच लोग को फिर चैनल को भेज दिया नहीं तो प्रोड्यूसर को दिखाया फिर उसमें से एक दो करेक्ट करिए एग्जाम्पल इसके बाद अगर उस एक्टर ने मूवी कर ली ठीक है जिनका उन्होंने सोचा था बट अगर बाई चांस वो मूवी नहीं चली और उन्होंने पहले से अगर प्लान्स बना के रखे इनके साथ ये भी मूवी करनी है तो वो भी चेंज होता था फिर अगर फिल्म

बहुत चीज़ें मिस करती हूँ किसी के पास टाइम नहीं है फर्स्ट ऑफ़ ऑल फैमिली इंटरेक्शन का टाइम नहीं है एवरीबडी इज़ बिजी विद यर मोबाइल्स। इवन इफ इट इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल इवन इफ इट इज़ इन द रूम एनी वेयर इवन इन द थिएटर ऑल्सो ओके एज अ फैमिली हम लोग बाहर जाते हैं पिक्चर देखने के लिए उधर भी मोबाइल लेके टक 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 चालू रहता है मतलब फिर वापस वो जो पिक्चर देखने उसको भी स्टोरी में स्टोरी बना के डाल देते सो लॉड ऑफ थिंग्स यू नो लाइक दिस इज नॉट देर देन बच्चे बहुत नेबर्स फ्रेंड्स ये वो सब होते थे बाहर जाके खेलना वो सब बंद हो चुका है दे हैव बिकम अभी क्लास क्लास class के जैसे डिवाइड हो गया नहीं ये मेरा लेवल का नहीं है इनके hmm. साथ नहीं है बिकॉज हम लोग अभी भी याद हैं हमारे ड्राइवर के बच्चे हो जिस मॉम नेवर यूज टू डिफरेंशिएट नहीं आ, नहीं दे आर वर्किंग विद अ स्टाफ है स्टाफ के बच्चे के साथ नहीं खेलना वी ऑल यूज़ टू ट्रैवल टुगेदर वी ऑल यूज़ टू बी टुगेदर प्ले विद प्ले विद देम एंड ऑल उनके बच्चे के साथ हम लोग खेलते थे फिर बाहर स्कूल का टाइमिंग डिफरेंस होते थे फिर समर वेकेशंस में हम लोग जाते एवरीथिंग इज चेंज ना बहुत चीज़ें मिस करते हैं मैं आपको एक इंटरव्यू देख रहा था जो हम लोग इंटरव्यू के पहले बात कर रहे थे 90s की बात हो रही थी उसमें और आपने बोला था कि तब आई थिंक आपको सवाल पूछा गया था कि आपका दोस्त है कोई नहीं है तो आपने बोला था कि आई थिंक तब अपने सब बिजी होते थे सेट पे yes. आप आए काम किया यस yes, बिकॉज yes, yes, yes. uh, तीन महीना के अंदर हम लोग एक पिक्चर खत्म कर देते थे एक महीना में हम लोग डिवाइड करके अगर गाना भी है देन वी यूज टू गिव दस दिन से पंद्रह दिन आउटडोर भी जाना है तो देन नहीं तो एक, एक महीना में दो पिक्चर्स का डिवीजन होते थे सो विद इन सिक्स टू फो विद इन थ्री टू फोर मंथ्स हम लोग का पिक्चर्स कंप्लीट होते थे मतलब वी लिटरली यूज़ टू लिव इन शूट केसेस मतलब बैग्स रेडी है हाँ अभी इधर से उधर ट्रैवल करना है नहीं तो ये स्टूडियो से वो स्टूडियो में शूट करना है वैसा है सो वी यूज टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ प्रोफेशनल अभी लाइक like, जैसा अभी आजकल एक पिक्चर हो गया हॉलीडे में जाना है वेकेशन लिया नहीं तो मैंने ब्रेक लिया दैट वॉज नॉट देयर एट ऑल वैल्यू वॉज देयर लॉड ऑफ वैल्यू

एंड uh, <laughs> मैं आपकी पहली फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा सौगन, सौगन के बारे में अक्षय सर मतलब अगर मैं वैसे सोचूँ तो आप अक्षय सर के लिए सीनियर थे क्योंकि आपकी पहली हिंदी फिल्म थी बट उनकी पहली फिल्म थी है ना सर, कैसा था, था वो एक्सपीरियंस मतलब इट वॉज ब्यूटीफुल वॉज वेरी इनोसेंट एंड वेरी मस्ती कोर फ्रॉम डे वन सर बट वेरी वेरी सिंसियर वेरी पंक्चुअल जो आर्टिस्ट को जो चीज चाहिए विथ प्राउडली आई कैन टेल द सक्सेस वॉट ही इज अर्नड आई मीन आई है शाहरुख बिकॉज बाजीगर का टाइम आई जस्ट गॉट मैरिड वेन वी आर प्राउडली टेलिंग दे आर द स्टार्स इट्स वर्थ इट बिकॉज दे रियली इतना मेहनत किए है पंक्चुअलिटी डिसप्लिन एवरीथिंग सो वो सब चीज़ इनके पास है इसीलिए वो लोग स्टार्स बने हैं yes. आपको अभी भी आपका पहला शॉट याद है वह दक्षय सर आप दोनों नर्वस थे कि कैसा था नहीं मेरा पहला शॉट एक्चुअली मुकेश जी के साथ थे राखी जी की और मुकेश के साथ मजबूत hmm. स्टूडियो में थे बट hmm. आउटडोर में गाना से शुरू किया था हम hmm. लोग ने hmm. सौगंध का आउटडोर में सो यस बिकॉज डांस इज माई फोटे एंड फाइट इज हिज फोटे सो डांस ही वॉज लिटिल नर्वस बट

I think उनकी फिल्म आई थी 2017 में। में okay. तो तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई yeah. पे। हाँ. okay. so, मुझे मुझे एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड था था अक्षय सर के बारे में जाने की, तब मुझे नहीं पता था कि वो डांस तो... <laughs> <laughs> yeah, nice, उनका देखते हैं उनके of अभी या yeah, yeah, yeah. जो भी अभी छोटे देखा

बट उनका कॉम्बिनेशन बहुत कम थे ओनली आई थिंक वन और टू सॉन्ग्स और एक ही गाना किया था उन्होंने ही इज़ वेरी ऑपोजिट टू अक्षय इज टोटली ऑपोजिट टू अक्षय डोंट टॉक क्वाइट जो बोला है हाँ उतना करके निकलना बैठना बट रेस्पेक्ट लॉर्ड ऑफ रेस्पेक्ट वो यर कोस्टार्स जैसे इतना मस्ती करता है अक्षय कुमार सनी इज़ टोटली रेस्पेक्टेड हाँ जी हाँ करेंगे वैसा इट इज़ लाइक दैट दैट डिफरेंस है अक्षय इज़ लाइक हाँ वॉट मुझे याद नहीं है तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करते और उन्होंने में था कि उन, आपके कुछ क्वालिटी उनको बहुत पसंद आए थे yeah. so, मुझे याद नहीं आई थिंक दो तीन साल पहले था जब यूट्यूब okay. में जस्ट ये इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे सो आपको ऐसे कुछ बोलना है क्वालिटीज उनके जो आपको बहुत ज्यादा अनोखे लगे थे या बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए सनी सर एंड अक्षय सर दोनों के अक्षय इज लाइक आई हैव टोल्ड यू ही इज वेरी डिसिप्लिन दैट इज हार्डली मैंने पहले क्या सोचा था न्यू कमर है इसीलिए वैसा है बट अगेन व्हेन आई वाज डूइंग एक पे एक ही वाज द सेम अक्षय कुछ चेंजेस नहीं है वो मस्ती भी है वो डिसिप्लिन भी है पंक्चुअल है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अक्षय इज व्हेनेवर ही इज जब भी उनके पास फ्री टाइम है ही डजंट वेस्ट

then he was immediately going to Devi temple and then i think from there he was learning some kind of uh, art that uh, dive ka kuch mm -hmm. jumping jumping so, yeah, something that he said ah, wo so he has that quality is like seekhna hai kuch kuch hai so that is one nice quality he has and he's i think he's still the same akshay whatever i heard just jitne se sunna hai, he's still that punctual no late nights disciplined life वो like, है. That's one more all -in -one मिला ही नहीं है so डिफरेंस uh, अभी उनका कैसा है बट दैट टाइम हिस्स क्वालिटी गुड क्वालिटी वॉट आई थिंक इज रेस्पेक्ट इट नो वेर उन्होंने कहीं भी ये दिखाया नहीं है वो धर्मिंदर जी का बेटा है hmm. वेरी डाउन टू अर्थ विथ रेस्पेक्ट हैंड इज़ ऑलवेज लाइक दिस वेन ई टॉक्स हाँ या ओके ऐसा बेन झुक के बात करना या दैट इज़ वेरी नाइस बिकॉज धर्म जी ने उनका एवरग्रीन टाइम उनका बेटा एंड ऑफकोर्स इवन सनी हैड अ स्पीक टाइम बट कहीं भी उनका इसमें बॉडी लैंग्वेज हो बात करने का तरीका में कहीं भी नहीं दिखा है या दैट्स गुड क्वालिटी दीज आर द फ्यू थिंग्स ये जो हम लोग को याद में रहते हैं ये दिया वो दिया दैट इज़ नॉट द थिंग वो भूल जाते हैं मतलब मैं ऐसा ना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग का एक गेट टुगेदर हो नो you know? oh. फिल्म में है या आई डोंट नो मुझे आप लोगों को एक साथ देखना है आई डोंट नो आई होप कि वो बहुत जल्दी अच्छा oh, yes. पूरी हो बट नाइन्टीज uh, से मुझे और एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जैसे आप शूट का बता रहे थे सो आई फील जितना मुझे पता है कि शिफ्ट होते थे बहुत सारे राइट एंड गोविंदा सर आई थिंक उन्होंने वापस एक इंटरव्यू बोला था कि वो एक टाइम पे आई थिंक तीस या चालीस फिल्म कर रहे थे एक पॉइंट पे एंड जब आप अक्षय सर की अभी बात करें तो मुझे ये याद आया कि जितना मैं क्योंकि उनका फैन फॉलो फा, करता हूँ बहुत लोग उनको ये बोलते आप एक टाइम पे चार फिल्में कर रहे हो पांच फिल्में कर रहे बट ये जब नाइन्टीज में होता था तब कोई बोलता नहीं था एक्चुअली मैंने वो शिफ्ट फेस नहीं किया है बिकॉज़ आर्टिस्ट अक्षय Uh, जिनके साथ मैंने हिंदी पिक्चर्स किए हैं एंड इवन प्रोड्यूसर्स वे लाइक दैट एक ही टाइम एक ही शिफ्ट दे यूज़ टू टेक मतलब बंच डेट्स लेके बैठ देते थे ऐसा नहीं है इधर से उधर जाना उधर से उधर नहीं नो मिथुन जी के साथ भी मैंने फूल और अंगार किया था तभी भी सलीम जी वॉज़ वेरी क्लियर नहीं मिथुन uh, जी um, दादा यू कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम हियर टू इधर से उधर नहीं जा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शूटिंग ऊटी में थे सो देर इज़ नो चांस ऑफ शिफ्ट भी और आना दूसरा शूटिंग करना वो चांसेस नहीं एंड अक्षय वॉज ऑल्सो लाइक बट uh, जब मैं दीदी के साथ जाती थी और भाभी एंड विनोद खन्ना जब दीदी ने किया दैट टाइम आईव सीन विथ माई ओन आईज दैट विनोद खन्ना जी लेट आना बिकॉज एक शिफ्ट खत्म करके आना है दैट डिफ्रेंस आई सीन इवन गोविंदा जब भाभी किया था तब

टॉकिंग अबाउट डिस्कस कर रहे जो hmm. जो ये शिफ्ट वाइज एंड ऑल तो दैट इज बिकम अ पॉइंट राइट नाउ सब वो डिस्कशन में वो बट नाइन्टीज में लेटर लेटेस्ट वो शिफ्ट बंद कर दिया एसोसिएशन ने पूरा स्टॉप कर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस सफरिंग अ लॉट बहुत सफर कर रहे थे बिकॉज पूरा स्टाफ यूज टू वेट द यूनिट यूज टू वेट जनरेटर लाइट्स कैमरे एवरीबडी आर्टिस्ट आर्टिस्ट यूज टू वेट घंटे घंटे बैठते थे सो so, वो एसोसिएशन इज अ कॉल दैट नो शिफ्ट नहीं रहेगा करके

आपको ये पूछना था कि आपके जर्नी में जैसे हरे के जर्नी में हरे के होते हैं आपके भी रहे yes. बट उसमें से कैसे निकले क्योंकि मैं आपको बोला ना कि है मोस्टली मोटिवेशन की बातें होती है पॉडकास्ट में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी है इंडस्ट्री में नहीं हर जगह तो so उसमें से कैसे निकले मतलब होता है ना एक फेज होता है कि नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या करना समझ नहीं आता हाँ। तो सिर्फ टाइम पे छोड़ देने का छोड़ के फिर जस्ट um, अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है बिकॉज uh, वो टाइम में क्या हो जाता है बहुत चीज़ें आते हैं आपके सामने ये करना वो करना मिसलीड होते हैं हम खुद अपने आप को तो दैट इज़ वन टाइम यू नीड अगेन डिसिप्लिन, बिकॉज दिस डिसिप्लिन इज़ समथिंग विच विल कीप यू होल्ड फॉर एनीथिंग डिसप्लिन एंड वो बिगड़ जाते हैं ना तो उसको हम लोग गर, पकड़ के रखेंगे अपने आप को सो यू नो फोकस क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो सो एंड बेसिकली यू नीड टू बी ग्राउंडेड इफ़ यू आर ग्राउंडेड देन यू नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग इफ़ यू आर नॉट ग्राउंडेड एंड इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन देन यू टेन टू डू एवरीथिंग इन योर ओन स्टाइल एंड क्या हो जाता है उस टाइम हाँ आपके लिए वो सही लगता है बट एक्चुअली वो आपके लिए भी सही नहीं है सो so दैट

and personally is nothing much personally i have not because i can just tell i was proud but kabhi kabhi thoda sa ye th when people call me bhanupriya sister that's hmm. all because that was something which i wanted to like i want to give that uh, opportunity Mujhe mere ko dena hai, like शांति प्रिया सिस्टर इज़ भानु प्रिया बट तब तक मैं शादी करके निकल जी तो so वो मौका मैंने दिया नहीं है उनको बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अभी वो मौका आएगी मुझे फिंगर्स क्रॉस यस फिंगर्स क्रॉस एंड एक्टिंग में इज़ कपल ऑफ थिंग्स लाइक नेवर बीन रिजेक्टेड दैट्स टच शुड आई नेवर बीन रिजेक्टेड बाई एनी डायरेक्टर और आर्टिस्ट और एनीथिंग वॉट हैपेंड इज मोर ऑफ माई स्किन टोन डेट इज़ वन थिंग एंड द स्लैंग लैंग्वेज दिज व टू थिंग बट एक्चुअली ये भी मैंने नाइन्टीज़ में फेस नहीं किया है जो आज मैं फेस कर रहा हूँ नाइन्टीज में वो लोग डूब के मेरे पास आए हैं दैट hmm. सौगंध आपको ही करना है आफ्टर सीइंग विश्वामित्रा सो so, तब मैंने फर्स्ट मूवी दैट आल्सो विथ अ चैलेंजिंग कैरेक्टर चांद का कैरेक्टर जो किया था मैंने एक टॉम बॉय एंड देन फेमिनिज्म में आना चेंजेस है दो डिफरेंट कैरेक्टर बट नेवर सेट पे नहीं तो uh, नथिंग नहीं, नहीं, नहीं पहले डायलॉग्स दे, दे देना uh, उनको प्रिपेयर करना है नथिंग नथिंग लाइक दैट ऑन स्पॉट दैट टाइम ऑल्सो राज्यपी जी देते थे फिर असटेंट डायरेक्टर और कभी मैंने प्रॉम्पटिंग लिया नहीं है नहीं तो बोर्ड्स आई जस्ट मकडअप एंड आई यूज़ टू टेल एंड डबिंग भी करती थी सब कुछ बट जो आज कल मुझे वो फोकस करके बोलते थे लाइक लाइक वॉट इज हैपनिंग विथ मी मैं इतने बैड हूँ हिंदी में वॉट वॉट इज रॉन्ग ना आफ्टर डूइंग थर्टी थ्री मूवीज वेन यू नो दैट दैट लिटल हर्ट सम वे यू नो ओके नहीं आपका स्लैंग नहीं है ओके ऑडिशन में आप स्लैंग कैसा आप डिसाइड करेंगे डब्बिंग में करेक्शन कर लूंगी दिस इज जस्ट एंड ऑडिशन बिकॉज ऑडिशन में यू डोंट नो स्टोरी यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट वन सीन दिस एंड देख दिखा देना सो वी जस्ट डू इट एंड सेंड दिस इज द कैरेक्टर

आई वॉज हैप्पी एंड अमित जी समित जस्ट टोल्ड मी प्लीज बी वॉट यू आर बी कंफर्टेबल अगर कुछ है तो हम लोग डब्बिंग में डब्बिंग भी किया ही नहीं है मैंने स्पॉट में जो रिकॉर्डिंग हुआ था माइक्स में दैट्स ऑल दैट दे व्यूज एंड आई वॉज हैप्पी दैट दैट धारावी बैंक का जो प्रोमोज में वॉज बन माई वॉइस लाइक ओके आई एम नॉट सो बैड मतलब है मेरे जो राजा है डायलॉग yeah, yeah. आता है दैट वाज माय वॉइस आई सेड सर यू यूज माय वॉइस यू सेड येस व्हाई नो नो आई वाज लाइक आई एम गुड दैट मींस लाइक यू आफ्टर डूइंग सो मेनी मूवीज कहीं कुछ बोल देते तो फिर हम लोग सोचते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं हम लोग बट एक्चुअली वो गलत है वो नहीं होना चाहिए या दैट इज़ वन थिंग विच आई फेस फेसिंग नाउ That's all, else. क्या आपको लगता है कि जैसे ऑन शूट जो डिलीवरी होती है डायलॉग डिलीवरी और कट टू तो डबिंग डबिंग में वो कहीं कही ना कहीं वो फील खो जाता है वो ओरिजिनलिटी का आपको लगता है ऐसे डबिंग के वजह से डबिंग यू कैन इंप्रूव अ लॉट यस डबिंग में बहुत इंप्रूव कर सकते हो आप वॉइस के यस

एकदम ज्यादा क्रेज था तो आपको ऐसा कोई किस्सा याद है आपके फैन इंटरेक्शन या कुछ क्रेजी लेटर्स आई स्टिल मिस देम दैट इज द रीजन मैंने अभी मेरा सोशल मीडिया में स्टार्ट किया था फैन लेटर्स करके एवरी वीक व्हाटएवर कमेंट्स कम सो आई आस्क देम टू ड्रॉप द क्वेश्चंस व्हाटएवर दे वांट दे कैन आस्क मी सो so, वो हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके फिर वो सब क्वेश्चन में सैटरडे सैटरडे आंसर करती हूँ hmm. बहुत मिस करती हूँ वो फैन लेटर्स क्योंकि हम लोग खुद लिख के सिग्नेचर्स करके फोटोग्राफ्स रख के पोस्ट करते थे हाँ देर आर कपल ऑफ इंसिडेंट्स विच कपल ऑफ फैंस लाइक दे यूज टू लाइक बिग बिग हार्ट्स डाल के वी लव यू एंड मोस्ट ऑफ देम बहुत इंसिडेंट्स uh, लेटर्स uh, में बहुत दे यूज़ टू टेल दैट आई रिसंबल लाइक श्रीदेवी जी दैट्स लॉट ऑफ कमेंट्स वो बहुत आते थे, एंड देन लव लेटर्स यूज टू कम लॉर्ड ऑफ लव लैटर विद वो ड्राई फ्लास रख के फिर फ्लास करके फिर uh, बट वो लोग एड्रेस कैसे ढूंढ रहे हैं अगर घर पे आ रहे हैं अभी तो सोशल मीडिया है गूगल कर जाएंगे हो जाता है पर तब के टाइम में कैसे उतना इजीली करते थे फैंस मतलब दे यूज्ड टू बी फिल्म डायरेक्टरीज नो तो उसमें एड्रेस या एंड टेलीफोन नंबर के हिसाब से एड्रेस के हिसाब से मिल जाता है yeah. <laughs> तो ये ऐसे डेली होता था घर पे मतलब कुछ Almost, ना कुछ यस यस वी यूज्ड टू मतलब लेटर्स पोस्ट में ला के लेटर्स देते थे पढ़ के फिर एक फॉर्मल एक फोटोग्राफ्स रहते, photograph, hmm. मतलब तो रहते थे वी यूज्ड टू चेंज चेंज द फोटोग्राफ्स करते थे मतलब महीना में दो महीने में वी यूज्ड टू पुट 100 100 प्रिंट्स निकाल के रखते थे फिर साइन ऑटोग्राफ फोटोग्राफ के ऊपर ऑटोग्राफ करके रख लेते थे लेटर्स के साथ हम लोग जो क्वेश्चंस पूछा उसको रिप्लाई करके एक फोटोग्राफ रख के पोस्ट करते थे

वो तो मैं उनको मिल चुका और लोगों को भी पता चल चुका है तो oh, मैं exactly. वो रिपीट <laughs> नहीं करता बट थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके thank कोई you. भी मैसेज आपके फैंस के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे रेडियो मिर्ची पे बुलाया है एंड uh, मिर्ची इज हॉट एज ऑलवेज